Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Salam kare Muntaha. Waalaikum assalam. Assalamualaikum. Not interested right now. Starting the vlog with the kitchen. Kitchen jo hai upar saaf ho chuka hai. As last vlog, isko chhod ke ye mere se nahi hota. लास्ट व्लॉग ये था कि हम जो है वो थीम ईवनिंग पार्टी करें, तो उसके लिए अब जो है वो हम पकाएंगे कुछ एंड आई एम गोना मेक सम फ्राइड निपलेट्स और पिज्ज़ा होगा और कलर्ड स्नैक्स होंगे. सो यस, इसको हम पानी में डालते हैं और साथ में कुछ डेकोरेशन भी करते हैं. सो यस, आई हैव दिस फेरी लाइट्स. बहुत सारी फेरी लाइट्स हैं लेकिन स्पेसिफिकली मैं ये वाली फेरी लाइट चाह रही हूँ कि मैं इस ना इस तरह करके ना कुछ लगा लूँगी. मुझे बहुत क्यूट लग रही है, इसमें बड़े प्राइस भी हैं. सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि कुछ हो जाए, अच्छा सा प्यारा सा बन जाए. सो लेट्स स्टार्ट द डेकोरेशन. शॉपर है, इसके अंदर मज़ीद कुछ डेकोरेशन का सामान है और ढूंढता हूँ. वहाँ पीछे जाना बैठी हुई है एंड आई एम वंडरिंग कि दिस बिल्डिंग के यहाँ से मेरी एंट्रेंस है. सो यस, लेट्स स्टार्ट. आई एम एक्साइटेड. सो ये मैंने अनपैकिंग कर लिया है और इसके अंदर मैं ये बटरफ्लाई डालूंगी और इसके साथ ये ग्लू भी है एंड आई डोंट नो कि कैसे काम करेगी. सो यस, I'm just adding these butterflies. So let's just add it. So all of them are done. अब ये सूडी होना चाहिए. बेसिकली हर एक LED के ऊपर ना एक बटरफ्लाई आनी है, लेकिन अब वो ना आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं ऐसे करूँ. रैंडमली लगा देंगे और इसको मैं इस कंपनी के ऊपर सेट करती हूँ. ओके, लेट्स गो. सो आई एम डन विद द फर्स्ट वन. इसके ऊपर इतनी अच्छी वो लग रही है. अभी तो दिन का टाइम है तो इतनी कोई मतलब आपको पता नहीं चलेगा लाइट का, बट शाम के टाइम इन लाइट्स को पता चलेगा. और मुझे लग रहा था कि मैं नीचे ऐसे करके लगा सकूँ लेकिन ये बहुत छोटा था. सो लाइक इट्स ओके, छोटा सा है. अब हम इस दूसरे दरवाजे करते हैं, इसके मेरे पास फेरी लाइट है तो यस वो हम देखते हैं. तो यस, इसके अंदर ना फेरी लाइट है. सो या इसको जो है ना मैं इस पूरे विंडो पे लगाऊंगी और आई होप कि अच्छा लगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस. ओके, सो मेरे पास ना ये बलून ग्लू है और ये बलून से को लगाने के लिए बिल्कुल काम नहीं आती. ये मैंने ली थी भाई से 100 रुपये की. सो आई एम गोना जस्ट यूज इट. लेट मी शो यू गाइस कि होती कैसे है. मतलब इट्स लाइक कि ये सिंगल चीज़ ना ये सर्कल सा होता है और ये स्टिकी सा होता है, ये चिपक जाता है. तो आई एम थिंकिंग कि टेप लगाने से अच्छा है कि मैं ये लगा लूँ ताकि ये नज़र भी ना आए और फेरी लाइट्स की जो वायर होती है ना उसे सब चिपक जाए. इग्नोर मैं ना खुद में काम कर रही हूँ. आई जस्ट आई लव फेरी लाइट्स. बहुत सारी लोग फेरी लाइट्स बहुत डेलिकेट होती है, इनके साथ बहुत आराम से काम करना पड़ता है. नहीं तो जो है ना ये कोई एक तार भी खिल जाना तो आम खराब हो जाता है. सो इसको मैंने पूरा आराम से मैंने खोल दिया है और इसका स्विच इस साइड पे लगेगा. तो आई जस्ट स्टार्ट लाइक दिस 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 एंड देन दिस. सो या थोड़ा सा लूज रखते हैं ताकि ना तार के लगाने में आसानी. This is how it actually looks. इसको ये पूरा आया है एंड लेट मी शो यू कि मैंने ये चिपकाई कैसे. यू नो गाइस, सी दिस चिप चिप. वेट अ सेकंड, इसके पीछे ये हल्का सा चिप चिप
ये मैंने ये टेप लगाई है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इट लुक्स नाइस। और ओवरऑल इसमें पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आ सकती हैं। यस, सो दिस इज द फाइनल लुक। आगे चलते हैं, अभी और बहुत सा काम है। लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर बिकॉज मैं थक गई हूँ। सो हियर आई हैव एन अदर फेरी लाइट जो कि मैं इस तरह लगाना चाह रही हूँ। सो जस्ट लेट्स लुक एट दिस, वाओ दैट लुक्स नाइस। इसको ज़रा हम लाइट ऑफ करके देखते हैं। यहाँ से लाइट बंद होगी ना तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत यकीन करें बहुत खूबसूरत लगेगा। फाइनली दैट लुक्स अमेजिंग, मुआ अमेजिंग। आई एम एक्चुअली सुपर हैप्पी क्योंकि बच्चियाँ जो है ना बेसिकली मेरी शादी के बाद प्रॉपरली मैं उनको पहले दफ़ा घर इन्वाइट कर रही हूँ कि आप आओ, क्योंकि आप लोग आती नहीं हो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मतलब उनके लिए इसी बहाने में अपना ज़रा घर भी फेरी लाइट कर रही हूँ, बिकॉज़ आई लव फेरी लाइट्स। और बस उम्मीद करती हूँ कि उनको मज़ा आए। बलून शलून्स लगाते हैं, अच्छा सा डेकोरेट करते हैं क्योंकि ईद मिलन पार्टी है और ईद जो है ना बेसिकली खुशियों का नाम होता है और ढेर सारी खुशियाँ होनी चाहिए घर में ताकि उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। सो टाइम फॉर दिस पार्ट, यहाँ पर मेरे पास ना ऐसा कुछ सोच नहीं है करीब। सो यहाँ पर मैं बैटरी ऑपरेटेड लगाऊंगी और ये मैंने चलाई नहीं क्योंकि मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है। सो यस, इसके सेल चाहिए मुझे ताकि मैं चला के देख लूँ कि ये चलती है कि नहीं चलती। एंड आई थिंक कि ये जो है ना वो कहीं भी आपको स्विच वगैरह जो है वो नहीं होता ना तो ये चल सकती हैं। और ये मैंने दराज से मंगवाई थी और इसका लिंक जो है ना मैं बायो में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, बायो में कह रही हूँ। सो आप जो है ना वहाँ पर देख लेंगा और ऑर्डर कर लेंगा। सो यस, हैदर को फोन करते हैं और इसके लिए ना सेल मंगवाते हैं। सो लेट मी शो यू गाइस द प्रोग्रेस। यहाँ पर लग चुकी है थ्री लाइट्स, यहाँ पर मैंने लगा दिया है शीशा और यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको दिखाया था और मैंने यहाँ सामने भी लगा दिए, ठीक है ना। और इसके अलावा अब मैं इस एरिया को थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी ताकि हम इधर सेल्फियाँ वगैरह ले सकें और अपना कॉरिडोर थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी ताकि हम इधर भी सेल्फियाँ ले सकें। वहाँ पर मैंने रखा है सेल्फियों वाला कह रही हूँ डेकोरेशन का सामान। और यस लेट्स गो एंड जस्ट डू इट। सो यस, यहाँ पर मैंने बलून्स वगैरह फैला ली हैं और अब मैं इस रोप में डालूँगी और फिर हम इसको इस साइड पे लगाएंगे ताकि हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स यहाँ पर ले सकें। सो यस, सो जाओ डेकोरेशंस। और यहाँ पे भी फेरी लाइट लगा दी है। ये बैटरी ऑपरेटेड है हमने, हाँ जी मान काला शिव मंगवाई थी। और यहाँ पे बड़ी ही हमारी ट्रेस, ये मेरी ट्रे है ग्रीन कलर की, ये ब्लैक में है तहरीन की, दिस इज इमान्स एंड दिस इज मुंताज ऑरेंज क्यूटी बुडूडी एंड दिस इज हाउ मुंता इज डूइंग थिंग्स। हाँ जी, क्या बात होगी। तो थोड़ा सा इस साइड पे कर दिया है ताकि यहाँ पे बाकियों की जगह बन जाए। हाँ जी, ये रेड कलर का दुपट्टा, हाँ मैं देती हूँ तुम्हें। क्या हुआ? क्या बात हो गई? लुक एट हर चूड़ियाँ, जी लुक सो प्यारी। अभी मैं जा रही हूँ उसका सिलसिला लेने। ये रहा इसका सिर लैक और इसकी मम्मा चाय बना रही हैं। लेट्स गो। और ये पुठे गाना में सर अंजाम देते हुए टूट पड़ी दूँ खाने।
चिकारियां क्यों मार रही हो? ये बहुत ही पतला नहीं हो गई? मैंने बनाया, इसको खिला ले, फिर आपसे बाद में बात होगी। सो ये कमरा भी हो चुका है फ्री। इधर हम देखेंगे मूवी, और अभी मैं कर रही हूँ मुंतहा और अपने कपड़े इस्तरी। मुंतहा का मुझे ऐसा कोई क्या कहना था, ऑरेंज कलर का मिल नहीं रहा था ड्रेस, तो ये मामा ने सिया था, इसका मस्टर्ड कलर सा था, तो आई थॉट के ऑरेंज पजामा है मेरे पास, इसके साथ मैं मूव कर लेती हूँ ट्विन। और मेरा है ये ग्रीन सूट, क्योंकि मेरा है ग्रीन कलर का थीम, और ये मैंने लिया था निशात से, निशात का प्रिंट है, सूट का प्रिंट था, मैंने इसका फ्रॉक सिलवाया और उसके साथ मैंने ये डार्क शेड में जो मैच करते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट शेड का था, और साथ है प्लाजो स्किन कलर का। यस रेडी इन माई ग्रीन्स एंड आई एम वेयरिंग दिस ग्रीन कलर की चूड़ियाँ एंड हाय मुन्नू, हाय माय चन्नू, अस्सलाम वालेकुम। सो यस, हियर आई एम एंड आई एम वेयरिंग माई ग्रीन्स एंड मुन्नू इज वेयरिंग हर ऑरेंज। ओह माशाल्लाह जनाब, यस आई एम रेडी। और मैंने अपनी चूड़ियाँ जो है ना वो अपडेट की है, तो मैं थोड़ा सा गोल्डन करना चाह रही थी बिकॉज मैंने ये पहना है, आई एम हैप्पी। सो हियर इज आवर पिज्ज़ा, एंड इसके अलावा यहाँ पे हमारे बन रहे हैं मफिन्स। दिस इज़ द ब्लू थीम, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अलावा ये वाइट थीम है, और यहाँ पे हमारे पास है पुलाव, और यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं निबलेट्स। सो यस, इट्स पार्टी टाइम। सो हियर इज द पुलाव मेड बाय मामी, और दिस इज द कबाब जो मैं फ्राई कर रही हूँ। उससे पहले मैंने पिज्ज़ा सर्व कर दिया है, और इधर हमने बनाए हैं मफिन्स जो कि मान ले गई है। मान से हाय। हाय जी, बोले से हाय। और यहाँ पे मुद्दा हमें देख रही थी कि ये सब लोग क्या खा रहे हैं और मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बस यहाँ पर व्लॉग एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और मज़ा आया होगा। तो अपना ख्याल रखेंगे और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।